चीन पर डिजिटल स्ट्राइक किया गया, रविशंकर प्रसाद। हिंदुस्तान पर बुरी नजर डालने वालों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मरकजी वजीर कम्युनिकेशन रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हिंदुस्तान अमन चाहता है, लेकिन अगर कोई बुरी नजर डालता है तो मुल्क में उसका मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत मौजूद है। हमारे 20 सिपाही हलाक हुए हैं तो चीनी फौजियों की हलाकतों की तादाद हमसे दुगनी है। चीन ने अपनी हलाकतों की तादाद नहीं बताई। रविशंकर प्रसाद, जो इलेक्ट्रॉनिक व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत संभालते हैं, खिताब कर रहे थे। हम अमन में ईकान रखते हैं और मसाइल को बातचीत के जरिए हल करने के ख्वाह हैं, लेकिन अगर कोई हिंदुस्तान पर बुरी नज़र डालता है तो हम उसे मुँह तोड़ जवाब देते हैं। गुज़िश्ता दिनों हिंदुस्तान पर दहशत गर्दाना हमले की याद दहानी कराते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आप सबको याद होगा कि उड़ी और पुलवामा में दहशत गर्दाना हमलों के बाद हमने किस तरह जवाब दिया। हमारे जवानों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। हिंदुस्तान ने चीन पर डिजिटल स्ट्राइक किया है। हिंदुस्तान के बैंकिंग शोबे में रकूमात की किल्लत का खदशा। फिच रेटिंग का बयान। आलमी सतह पर मईशतों की दर्जाबंदी करने वाला इदारा फिच रेटिंग्स के मुताबिक सरकारी बैंकों को बड़ी तादाद में असर नौ पूंजी हुसूल की जरूरत होगी, क्योंकि सरकारी बैंकों में पूंजी खत्म होने का जोखिम प्राइवेट बैंकों के मुकाबले में काफी ज्यादा है। कोरोना बहरान के दरमियान हिंदुस्तान के लिए फिलहाल कहीं से कोई अच्छी खबर सामने नहीं आ रही है। माशी मास पर मुल्क के लिए मजीद एक फिक्र अंगेज खबर सामने आई है। रेटिंग एजेंसी फिच ने कहा कि हिंदुस्तान का बैंकिंग सेक्टर कोरोना वायरस वबा से मुताल्लुक मसाइल की वजह से पूंजी की कमी का सामना कर सकता है। फिच रेटिंग्स के मुताबिक हिंदुस्तानी बैंकों को कम से कम 15 अरब डॉलर की नई पूंजी की जरूरत पड़ सकती है। एजेंसी ने अपने एक बयान में कहा कि अगर घरेलू मईशत कोरोना वायरस वबा से मुतालिक मसाइल से बाहर नहीं निकल पाती है तो ऐसे मुश्किल हालात में पूंजी की जरूरत बढ़कर 98 अरब हो सकती है। मुंतखब होने पर H-1B वीजों की मौतली बर्खास्त कर देने, जो बाइडेन का ऐलान। अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी के सदारती उम्मीदवार वो साबिक नायब सदर जो बाइडेन ने कहा है कि अगर वो रवा बरस माह नवंबर में मुनक़द होने वाले इंतखाबात में कामयाब हो जाते हैं तो H-1B वीजों पर आयद जुज वक्ती मौतली को बर्खास्त कर देंगे। ये वीजे खास तौर पर हिंदुस्तानी IT प्रोफेशनल अफराद में काफी मकबूलियत के हामिल रहे हैं। वाजे रहे कि 23 जून को ट्रंप इंतजामिया ने हिंदुस्तानी IT पेशेवर अफराद को एक बड़ा धक्का पहुंचाते हुए H-1B और दीगर नौयत के बैरूनी वर्क वीजों की इजराई रवां बरस के अवाखिर तक के लिए मुअत्तल करने का ऐलान किया था, जिसका मकसद इंतखाबात के इस अहम साल के दौरान अमरीकी वर्कर्स के मफादात का तहफ्फुज़ करना है। जो बाइडेन ने H-1B वीजों के हामिल अफराद की खिदमात की सताइश की और कहा कि अगरचे ट्रंप ने इन वीजों की इजराई को मुअत्तल कर दिया है, ताहम मेरी हुकूमत में ऐसा नहीं होगा। मकतूब रियाज मेन जानिब कैन वासिफ सऊदी अरब। खारिजी बाशिंदों के अकामे वर्क परमिट की फीस के सिलसिले में सऊदी हुकूमत की करीमुन नफसी का जिक्र कल के मकतूब रियाज में किया गया था, जिसमें मार्च के महीने में माशी हालात के पेश नज़र 3 माह की अकामा फीस के माफ किए जाने का जिक्र किया गया था। इस सिलसिले में फरमा रवाए ममलिकत शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने फयाजी की तरफ एक और कदम बढ़ाया है। ममलिकत की जानिब से जुमरात के रोज एक ऐलामिया जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि
खादिम हरमैन शरफेन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने उन गैर मुल्कियों की फीस में एक और माह की माफ़ी की मंजूरी दी है जिनके अकामे खत्म हैं। इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा कि हसब ज़रूरत मजीद एक माह की फीस में भी माफ़ी हो सकती है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने कोरोना बहरान से मुतासर होने वाले शोबों इदारों और अफराद की माली इमदाद में तौसी की भी मंजूरी दे दी है। कोरोना बहरान के आगाज़ में मुतासरा इदारों और अफराद के लिए जिस इमदाद की मंजूरी दी गई थी उसमें मजीद तौसी की जाएगी ताकि इससे पूरी तरह इस्तेफादा किया जा सके। वाज़े रहे कि सऊदी हुकूमत ने कोरोना के माशी असरात कम करने के लिए मजमूई तौर पर 214 बिलियन रियाल की इमदाद की मंजूरी दी थी जिससे निजी शोबे के इदारे और अफराद मुस्तफीद हुए हैं। इलावा अजी हुकूमत ने वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की सरबराही में मुतअद्दद वजारती कमेटियां तश्कील दी हैं जो कोरोना बहरान से पैदा होने वाले मसाइल का मुसलसल जायजा ले रही हैं। वाज़े रहे कि सऊदी अरब एक मुस्लिम ममलिकत है। इस मुल्क में खारिजी बाशिंदों की आबादी करीब करीब मुकामी बाशिंदों के बराबर है, मगर यहाँ जब वर्क वीज़े जारी किए जाते हैं तो ये नहीं देखा जाता कि वीज़ा हासिल करने वाले का मजहब क्या है। ममलिकत में काम करने वाले गैर मुल्की बाशिंदों में सबसे बड़ी तादाद हिंदुस्तानियों की है जिनकी तादाद कोई 28 लाख बताई जाती है और इसमें 50% से ज़ायद हिंदुस्तानी हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं। मगर ममलिकत के नज़दीक हर हिंदुस्तानी बराबर है, किसी के साथ कोई मुतासबाना या दोहरा सलूक नहीं किया जाता। यही हाल दीगर खलीजी ममालिक का भी है। हर चीज़ में मज़हब का एंगल ढूंढने वाले हमारे गोदी मीडिया को कभी इन हकायक पर भी गौर करना चाहिए और हिम्मत करके इसकी सताइश भी करनी चाहिए। लीजिए अब पेश है हमारा प्रोग्राम वक्फे अदब। वक्फे अदब में मोहतरमा डॉक्टर राधिका को समाज फरमाए। मैं कुवैत से वसीला उर्दू टीवी चैनल के जरिए आज एक बार फिर आपसे रूबरू हो रही हूँ अपनी नज़्म वक्त के साथ। वक्त जो है साक्षी प्रत्येक कृत्य का, गवाह भूत का, वर्त का, भविष्य का, नले विश्राम एक क्षण ना सुप्त, नले विश्राम एक क्षण ना सुप्त, यह वक्त यह वक्त यह वक्त, आज तेरा है कल होगा मेरा ये वक्त, आज तेरा है कल होगा मेरा ये वक्त, समंदर को कर देता सहरा ये वक्त, जिसने समझा इसे उसको प्यारा ये वक्त, जिसने समझा इसे उसको प्यारा ये वक्त, है जीवन उसी का संवारा ये वक्त, है जीवन उसी का संवारा ये वक्त। आसमां की बुलंदी को छू लो अगर, आसमां की बुलंदी को छू लो अगर, न करना गरूर उस पे इतना मगर, न देगा संभलने का मौका तुम्हें, न देगा संभलने का मौका तुम्हें, उड़ते परिंदे को जमी पे गिराता ये वक्त, उड़ते परिंदे को जमी पे गिराता ये वक्त। जो डूबे हुए हैं नशे में अहम के, जो डूबे हुए हैं नशे में अहम के, है दर उनका भी खटखटाता ये वक्त, जो सुनकर भी कर दें अनसुना सा इसे, जो सुनकर भी कर दें अनसुना सा इसे, मैं क्या हूँ उन्हें तब बताता ये वक्त, मैं क्या हूँ उन्हें तब बताता ये वक्त। मौसमों से है मिलता कुछ इसका मिजाज, मौसमों से है मिलता कुछ इसका मिजाज, कब कहाँ एक जगह ठहरा ये वक्त, कब कहाँ एक जगह ठहरा ये वक्त। रंग इंसान में रहकर बदलता है ये, रंग इंसान में भी रह बदलता है यह, कभी तन्हा कभी साथ चलता ये वक्त, कभी तन्हा कभी साथ चलता ये वक्त। और बालपन में है कितना खुशहाल सा, बालपन में है कितना खुशहाल सा, लंबा होगर लगे फिर भी छोटा ये वक्त, लंबा होगर लगे फिर भी छोटा ये वक्त। यौवन में आ थोड़ा इठलाता है, यौवन में आ
थोड़ा इठलाता है, चाह कर भी न तब मिल पाता ये वक्त, चाह कर भी न तब मिल पाता ये वक्त। बुढ़ापे में आ जो एकाकी हुआ, बुढ़ापे में आ जो एकाकी हुआ, काटे भी ना कट पाता ये वक्त, काटे भी ना कट पाता ये वक्त। ना उम्मीदी के अंधेरों में जो छुप से गए, ना उम्मीदी के अंधेरों में जो छुप से गए, उनका भी एक रोज आता है वक्त, उनका भी एक रोज आता है वक्त। पल में हर गम को उनके धूमिल करे, पल में हर गम को उनके धूमिल करे, फकीर से शहंशाह बनाता ये वक्त, फकीर से शहंशाह बनाता ये वक्त। भूल करना समझना खुद को इससे बड़ा, भूल करना समझना खुद को इससे बड़ा, ना है गूंगा और ना बहरा ये वक्त, ना है गूंगा और है ना बहरा ये वक्त। वक्त की मार दोस्तों है बुरी, वक्त की मार दोस्तों है बुरी, बिगड़े बहुत ही रुलाता ये वक्त, जो बिगड़े बहुत ही रुलाता ये वक्त। और आखिरी में मैं कहना चाहूंगी कि जो दे वक्त तुमको अपना, जो दे वक्त तुमको अपना, कद्र उसकी करो, जो दे वक्त तुमको अपना, कद्र उसकी करो, रूह से उसकी हर बात सजदा करो, रूह से उसकी हर बात सजदा करो। जो बीता तो ना मुड़ के आता ये वक्त, जो बीता तो ना मुड़ के आता ये वक्त, मीठी यादें ही रह बन जाता ये वक्त, मीठी यादें ही बन रह जाता ये वक्त, मीठी यादें ही बन रह जाता ये वक्त।